कल्याण। बसवा कल्याण में हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का 268वां यौमे पैदाइश के मौके पर सरकारी व गैर सरकारी महकमाजात में मनाई गई में तशरीफ फरमा ज्ञानेंद्र कुमार गंगावर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ बसवा कल्याण और एमएलए बी नारायण राव और सीएमसी प्रेसिडेंट मीर अजहर अली नौरम मेहमान सैयद तनवीर अहमद जर्नलिस्ट जो बेंगलोर से है।
क्या है इसका, इसकी क्या जरूरतें होती हैं, क्यों हम जयंती बेसिक मनाते हैं किसी की, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, कई एम्परर होते हैं, कई राजा होते हैं, महाराजा, उनकी क्या होता है, खास बात जो होती है, उनकी जो अच्छाइयां होती हैं उनको हम भूल जाते हैं। और क्या होता है कि अच्छाइयों पर कभी कभी भी पर्दा पड़ जाता है, कभी कोई दूसरा इंसान आता है जो बहका देता है कि ये राजा बेकार था, तो उसकी केवल बुराइयां सुनने को मिलती हैं हमें बस। तो इसीलिए ये जयंती है
जो हजरत टीपू सुल्तान जी की जो जयंती है, तो उसका यही महत्व है कि जो उनकी अच्छाइयां थी, एक शासक की, एक राजा की जो अच्छाइयां थी, उनको देख के आगे बढ़ा जाए, ना कि केवल छोटी मोटी जो किसी की बुराइयां हो उनको देख के बस एकदम से आपस में लड़ते रहते हैं, ना उनको ना देखा जाए। जब मैं एक बार श्रीरंगपटना जो टीपू का फोर्ट है, जो किला है, मैं गया, तो जो मेरा जो ऑब्जर्वेशन था, जो मैंने देखा कि उस फोर्ट के अंदर एक बहुत खूबसूरत पुराना एक मंदिर है, अभी भी टेंपल है, और मंदिर बहुत पुराना है, कोई नया नहीं है। तो वहां से मुझे ये लगा कि ये जो जो राजा है, ये ऐसा नहीं है कि एकदम किसी एक धर्म के लिए है, ये सभी धर्म के लिए है। और उसके बाद भी जब अंत में 1999 1799 में जब उनका ब्रिटिश के साथ जो बैटल हुआ, जो बहुत फेमस फोर्थ वॉर भी है, जो फोर्थ बैटल हुआ, उसमें भी वो गिव अप नहीं किया। जैसे बहुत राजा हैं, बस उन्होंने अंग्रेजों के साथ ट्रीटी कर ली और आराम से जिंदगी जी रहे हैं, ऐसा नहीं था। जो पूरे भारत का जो शत्रु थे अंग्रेज, उनको वो शत्रु उनके भी थे। तो इसलिए जो एक चीज होती है कॉमन एनेमी, जो सबका शत्रु, जो कॉमन एनेमी है, उसको फाइट किया उन्होंने, अंग्रेजों से फाइट किया, ना कि बस एकदम से अपना राजपाट संभालते जो बाकी जो राजा थे, जैसे 500 से ज्यादा राजा जो थे, जो बस अंग्रेजों के साथ ट्रीटी कर ली, थोड़ा पैसा उनको दे रहे हैं और आराम से जिंदगी एक जी रहे हैं। तो ये बात नहीं थी, पूरे जो भारत का सोच था वही उनका था कि हाँ ठीक है, अब यही हमारा कॉमन एनेमी है, हमें अंग्रेजों से ही लड़ाई करनी है। वो सही है, वही हमको ये भी जानना चाहिए कि हमको इतिहास इसलिए पढ़ना है कि हम जो गुजरा है उसको देखकर हम अपना जो प्रेजेंट है, हाल है, उसको बेहतर बनाए। इतना याद रखें, अगर कोई कौम अपना गुजरा हुआ देखकर अपना प्रेजेंट और अपना हाल बिगाड़ती है, तो वो कौम, वो कम्युनिटी, वो देश या वो इंसान खुश नहीं रहते, वो अपना बिगाड़ लेते हैं। आज अक्सर ये हो रहा है कि हम इतिहास को पढ़कर अपने दरमियान नफरतें फैलाने लगे। तो मेरे भाइयों जो यहां जमा हैं, आप ये याद रखें कि इतिहास को हम इसलिए पढ़ें कि अगर इतिहास में कुछ गलतियां हुई हैं, तो उन गलतियों को हम ना दोहराएं, बल्कि उन गलतियों को करेक्ट करें, उस गलतियों की इस्लाह करें, उसको ठीक करें और अपने समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करें। हमारे ज्ञानेंद्र कुमार जी ने कहा, उनका उन्होंने एक अनुभव पेश किया कि जब वो श्रीरंगपट्टन गए तो उन्होंने वहां एक मंदिर देखा। मेरा भी अनुभव कुछ ऐसा ही है। मैंने और जरा सा बारीक बीनी से देखा, और जरा सा झांक कर देखा, तो मैंने ये पाया कि टीपू सुल्तान का जो पैलेस है, उस पैलेस से जो सबसे करीब चीज है डिस्टेंस के लिहाज से, वो मंदिर है, ना कि मस्जिद। मंदिर पहले है और मस्जिद बाद में है। मैं ये सोचने लगा कि अगर ये किंग, अगर ये बादशाह वैसा ही है जैसा कि बाद हमारे दोस्त कहते हैं, तो ये उस मंदिर को ढा देता और मस्जिद को खरीद कर लेता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसमें बहुत बड़ा मैसेज है हमको और आपको समझने का। आजीन, मैंने एक और बातें बताऊंगा। हिंदुस्तान के आजाद की जो जंग शुरू हुई है, इसमें पहला शहीद कौन है? पहला शहीद कौन है? वो सिर्फ हजरत टीपू सुल्तान रहमत अल्लाह। हिंदुस्तान के पूरे दुनिया में
ए कलाम साहब जब बेंगलुरु गए श्रीनगर पटना से गुजरते हुए एक अपना तकरीर में बताए कि मैंने एपीजे कलाम साहब दुनिया का पहला मुझे मिसाइल का फादर बोलते मैं नहीं है मिसाइल का फादर दुनिया में कोई है तो हजार टीपू सुल्तान अब सुना जाए बल्कि एपीजे कलाम साहब किसानों के बारे में इरिगेशन के बारे में ये जो कावेरी का जो डैम है कन्नमवाड़ी डैम ये पहला डैम बनाकर उसका पानी से सेरिकल्चर बनाने का सेरिकल्चर रेशम को हमारे दुनिया में उसका एक गांव में भी नहीं था एक गली में नहीं था किसानों का हालात देकर हजरत टीपू सुल्तान साहब चाइना से वो मंगाकर आज हिंदुस्तान में रेशम अगर बनता है आज रेशम के कारोबार जो करते हैं तो हजरत टीपू सुल्तान के मेहरबानी से होता है और आज हर हमारे माता तो रेशम के साड़ी पहनते हैं तो वो हजरत टीपू सुल्तान का देन है। आपको मालूम है उनकी रियासत केवड़ा तक थी कालीकट तक थी कालीकट में जो ओबीसी में यहाँ उधर मलयाली पीढ़ी का बोलते ना इधर हमारा सिंधी दलित लोगों को दलित लोग महिलाओं को चोली पहनने का अधिकार नहीं था चोली पहनने का अधिकार नहीं था वो अधिकार किसी ने दिया है कपड़े पहनने का और चोली पहनने का वो हैदर ने और हजरत टीपू सुल्तान जी दलित और ओबीसी के लोगों को जमीन पर अपने नाम से जमीन कर लेना गुनाह था। अगर दुनिया में इंडिया में दलितों पर ओबीसी लोगों को जमीन 50 एकड़ 25 एकड़ 5 एकड़ 100 एकड़ जमीन अगर कोई दिया है तो हैदर अली साहब और हजरत टीपू सुल्तान साहब। आज कर्नाटक के देवराज अरसा साहब आने से पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री देवराज अरसा साहब बनने से पहले अगर दलितों के नाम से ओबीसी लोगों के नाम से जमीन कर्नाटक में कहीं था तो वो भोर मैसूर एरिया में 11 डिस्ट्रिक्ट में था दूसरा कहीं भी नहीं था वो हजरत टीपू सुल्तान साहब के वजह से मिला। आज हमारे बसरी मसा साहब धीर आचार्या हमारे सिद्धरामैया साहब को आज 100-150 एकड़ जो उनको मिला है वो हैदर अली और हजरत टीपू सुल्तान के उनके मेहमानी से मिला है उनके मेहमानी से। हर दलित को हर धनगर हर कोई हर ओबीसी के लोगों को या बकरी के लोगों को भी नहीं था जो जयवाड़ा के लोग हैं उनको भी नहीं था उनको भी अगर जमीन मिला ये इरिगेशन करने का मौका मिला रेशम का धंधा मिला आजादी के बाद हिंदुस्तान का अपने बच्चों का ध्यान नहीं है कर्नाटक ऐसी जमी है जो हिंदुस्तान के वास्ते सबसे बड़े हवा रहने वाले हमारे अध्यक्ष टीपू सुल्तान जी है। एक आदमी के आगे बढ़ना तो पीछे दादा नहीं रहने वाला से चले पीछे आते या नहीं क्यों तो हमला करके और आगे तो सही से हम के जाने के बारे में बोले कोई हिंदुस्तान का कोई राजा हमारे राजा से आपको मोगल तो नहीं कोई आवाज नहीं होता है जो शहीद होने के बाद भी शहीद होने के बाद मजा नहीं देंगे हमारे लोग अंग्रेज क्या मालूम है बिजनेस के गरज से आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी वो आप उन्हों क्या मालूम होना तिजारत के गरज से
تجارت کر کے لے جا رہے، لہٰذا اپنا مقام بنا کے امونیشن بنا رہے. تو جب راجہ مہاراجوں کی حکومت تھی، ادھر بازو کیا معلوم ہے نظام سرکار کی حکومت تھی، ادھر پیشوا مراٹھوں کی حکومت تھی، تو اسے پوری چیز بتائے. وہ لوگ ان سے دوستی کر کے کیا معلوم ہے انگریزوں سے مزے لوٹتے رہے. انہوں کیا معلوم ہے بھارت ماتا کو غلام بناتا نہیں، میں ایک ایسا بیٹا ہوں جو کیا معلوم ہے دیش کے واسطے آخری ہے لڑوں گا کر کے. دو بار جنگ ہوئی انگریزوں سے، اس کے بعد میں یہ ہوتا ہے دسمبر تہوار کی بات میں کیا ہم جانا دے گروی رکھے یہ چل چلا کے دنیا میں ایسی مثال ٹیپو سلطان حضرت ٹیپو سلطان کی سر کی کہیں بھی نہیں ملتی. ہر آدمی عیاش پسند ہوتا ہے راجاؤں کے، ہاں اس کے بعد میں اپنی شہرت چاہتا ہے، عائش و آرام کرنا چاہتا ہوں. مگر انہوں تہجد گزار دے اور جب مسجد بنائے تو اس کا ادھاٹن کرنے کا